हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 15 जून को गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प के बाद ये चौथी बैठक है। दोपहर 12 बजे से शुरू होनी है ये बैठक। भारत और चीन के विदेश अधिकारियों के बीच पिछली बैठक 24 जुलाई 2020 को हुई थी। भारत चीन के बीच कई दौर की बैठकों और सहमति के बावजूद चीनी सैनिक अपनी जगह से अभी पीछे नहीं हटे हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में लश्कर का टॉप कमांडर नसीर उद्दीन लोन मारा गया। नसीर के साथ उसके एक पाकिस्तानी साथी ने भी के भी मारे जाने की खबर है। आतंकी नसीर ने कई महीने से हंदवाड़ा हमले की साजिश रची थी, जिसमें सीआरपीएफ के 6 जवान शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर में हाईवे पर सुरक्षा बलों की चौकसी ने परेशान आतंकी अब जंगल के रास्ते घुसपैठ करने की साजिश रच रहे हैं। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकियों को जम्मू कश्मीर हाईवे के बदले जम्मू के कठुआ से बिलावर, भद्रवाह, डोडा और किश्तवाड़ होते हुए श्रीनगर पहुंचने के लिए कहा है। ये रास्ता लंबा है और घने जंगलों से होकर गुजरता है, जिससे आतंकियों को छिपने में आसानी होती है। आईएसआई ने आतंकियों की मदद के लिए इन रास्तों पर सक्रिय अपने स्लीपर सेल नेटवर्क को भी एक्टिव कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में कल फैसला आने के बाद आज सीबीआई की टीम सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंच सकती है। सीबीआई ने मुंबई पुलिस से सुशांत की फॉरेंसिक रिपोर्ट, सुशांत की डायरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 56 स्टेटमेंट, सुशांत और रिया के बैंक डिटेल और कॉल रिकॉर्ड के दस्तावेज मांगे हैं। इन सभी दस्तावेजों को मराठी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कराया जाएगा। जांच के लिए गठित एसआईटी भी मनोज शशिधर, गगनदीप गंभीर, एसपी नुपुर प्रसाद और एडिशनल एसपी अनिल यादव शामिल है। जांच के तहत सीबीआई बांद्रा में सुशांत के उस घर का भी मुआयना करेगी जहां सुशांत की लाश पंखे से लटकी मिली थी। सुशांत राजपूत कथित आत्महत्या मामले में ईडी ने फिल्म डायरेक्टर रूमी जाफरी को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। रूमी जाफरी की एक फिल्म में रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम करने वाले थे। सुशांत केस में मुंबई पुलिस भी रूमी जाफरी से पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने रूमी जाफरी को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच बुलाया है। ईडी रूमी जाफरी से ये जानना चाहती है कि क्या सुशांत आर्थिक या किसी दूसरी वजह से परेशान थे। शिवसेना नेता और सामना के संपादक संजय राउत ने सुशांत केस की जांच सीबीआई को दिए जाने की मुंबई पुलिस के अधिकार हनन का मुंबई पुलिस का अधिकार हनन बताया। संजय राउत ने कहा कि सुशांत केस में मुंबई पुलिस सही दिशा में काम कर रही थी, लेकिन अगर परिवार को लगता है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। इससे महाराष्ट्र सरकार या शिवसेना को कोई आपत्ति नहीं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज महागठबंधन में अपनी पार्टी के भविष्य पर फैसला कर सकते हैं। सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में मांझी हम पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि महागठबंधन में पार्टी को रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। मांझी लगातार महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग करते रहे हैं और इसके लिए आलाकमान को 4 बार उन्होंने बकायदा अल्टीमेटम भी दिया हुआ है। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को लगा है बड़ा झटका। आरजेडी के पुराने नेता और लालू यादव के समधी चंद्रिका राय आज जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। चंद्रिका राय आज दोपहर में जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। चंद्रिका राय के साथ दो और विधायक जयवर्धन यादव और फराज फातिमी भी जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की शादी हुई थी। ऐश्वर्या राय ने लालू परिवार पर प्रताड़ना का आरोप लगाने के बाद चंद्रिका राय आरजेडी से नाराज चल रहे थे। कोरोना संकट के बीच यूपी विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार के दो मंत्री चेतन चौहान और कमला रानी वरुण के कोरोना से निधन की वजह से शोक सभा के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। कोरोना संकट को देखते हुए सभी विधायकों और कर्मचारियों का टेस्ट करवाया गया है और 65 साल के ज्यादा उम्र के विधायकों या बीमार विधायकों को सदन में आने से मना किया गया है। सदन न आने वाले विधायकों के लिए वर्चुअल तरीके से सदन की कार्यवाही से जोड़ने की व्यवस्था भी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी आज वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजों की घोषणा करेंगे। परिणामों की घोषणा डिजिटल मोड पर सुबह 11 बजे से की जाएगी। स्वच्छता महोत्सव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को इनाम दिया जाएगा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के सफाई कर्मियों से भी संवाद करेंगे। 28 दिनों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का अभियान पूरा हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत देश के शहरों को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल इस सर्वे का आयोजन किया जाता है।
एमपी का इंदौर शहर लगातार 3 सालों से देश का सबसे साफ सुथरा शहर बना हुआ है। नए संसद भवन और दूसरी सरकारी इमारतों वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट के लिए 86 एकड़ जमीन का लैंड यूज बदलने के फैसले को गलत बताया। याचिका में कहा गया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अगर मंजूरी दी गई तो इससे पर्यावरण को खतरा हो सकता है। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक आज दिल्ली में होगी। बैठक ट्रस्ट के अधिकारियों के पते के अलावा पारसरण के आवास पर सुबह साढ़े दस बजे से होगी। बैठक में समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के अलावा ट्रस्ट के पदाधिकारी चंपत राय, के पारसरण और एलएनटी के इंजीनियर शामिल होंगे। इस बैठक में मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने और मंदिर के लिए बुनियादी स्ट्रक्चर बनाने को लेकर अहम चर्चा होगी। उम्मीद है कि इस बैठक के बाद राम मंदिर की बुनियादी स्ट्रक्चर पर काम शुरू हो जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सचिव चंपत राय ने भक्तों से तांबे की पट्टी और छड़ देने की अपील की है, जिनका इस्तेमाल मंदिर निर्माण में किया जाएगा। मंदिर निर्माण का कार्य 40 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। कल हुई डीडीएमए की बैठक के बाद दिल्ली में होटल खोलने की मंजूरी मिल गई है। बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल और डीडीएमए के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। बैठक में ट्रायल बेसिस पर साप्ताहिक बाजारों को खोलने की भी इजाजत मिल गई है, लेकिन जिम खोलने पर अभी रोक जारी है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार आज से प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत गरीबों को 2 वक्त का खाना 8 रूपये की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। गरीबों को 8 रूपये में दाल, रोटी, सब्जी और अचार देने की योजना है। सालाना 100 करोड़ रूपये खर्च इसमें सरकार करेगी। योजना शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने इसको निशाने पर लिया और कहा कि वसुंधरा राजे सरकार में चल रही अन्नपूर्णा योजना को वर्तमान सरकार ने जानबूझकर बंद किया और उसी योजना का नाम बदलकर इंदिरा रसोई के नाम से क्रेडिट लेना चाहती है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जेईई मेन और नीट परीक्षा को स्थगित करने का समर्थन किया है। चिराग पासवान ने ट्वीट कर कहा है कि जेईई और नीट की परीक्षा में बैठ रहे लगभग 25 लाख विद्यार्थी और उनके अभिभावक परीक्षा को टालना चाहते हैं, जिसकी मुख्य वजह कोरोना संक्रमण के साथ साथ परिवहन व्यवस्था सुचारू न होना है। परीक्षा केंद्र कई जगहों पर 500 किलोमीटर की दूरी पर है, ऐसी परिस्थिति में बच्चे कैसे परीक्षा देने जाएंगे। चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से बातचीत करने का वादा भी किया है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिले के लिए होने वाली जेईई मेंस की परीक्षा 1 सितंबर से 8 सितंबर के बीच होनी है, जबकि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए होने वाली एनईई यानी नीट की परीक्षा 13 सितंबर को हो सकती है। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी महिला नेता रूबी आसिफा खान व नरगिस महबूब को भगवान राम की पूजा करने पर जिंदा जलाने की धमकी मिली है। आरोप है कि दोनों महिला नेताओं के पोस्टर दीवार पर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है इन्हें इस्लाम से खारिज कर दो। रूबी आसिफा खान ने अपनी एफआईआर में कहा है कि 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन के बाद उन्होंने घर पर पड़ोसी महिलाओं के साथ भगवान राम की आरती और पूजा की थी। इसी के चलते कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और जिंदा जलाकर मारने की धमकी दी है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर मोटी सैलरी का झांसा देकर ठगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आईजीआई एयरपोर्ट की डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने इन ठगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी फेसबुक पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जॉब पोस्ट करते थे और नौकरी के नाम पर लोगों से पैसे लूटते थे। 2014 से फर्जीवाड़ा कर रहे इस गैंग ने अब तक करीब 1000 बेरोजगार युवकों को अपना निशाना बनाया था। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में ड्राइवर के घर छापेमारी में भारी मात्रा में सोने, चांदी, गहने, कैश और अवैध हथियार बरामद हुए। इन्हें 8 पेटियों में छिपाकर रखा गया था। इसके अलावा घर से 2 महिंद्रा कार, हर्ले डेविडसन बाइक, रॉयल एनफील्ड करिश्मा जैसी महंगी बाइकें और 4 ट्रैक्टर भी मिले। आरोपी ड्राइवर और उसके मालिक को पुलिस गिरफ्तार करके इन सभी संपत्तियों के बारे में पूछताछ करेगी। आज से आईपीएल खेलने के लिए फ्रेंचाइजी टीम्स दुबई रवाना होंगी। सभी टीम्स दुबई पहुंचकर 7 दिनों तक क्वारंटीन होंगी, जिसके बाद टीमों को प्रैक्टिस करने की इजाजत होगी। आज कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 दुबई पहुंचेंगी, जबकि शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दुबई के लिए रवाना होंगी। बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक फेयरवेल आयोजित करने पर विचार कर रही है।
बीसीसीआई जल्द ही इस पर धोनी से बात कर सकती है। धोनी ने 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कहा था। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनड्रिक नॉट्स को टीम में जगह दे दी है। एनड्रिक अब इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स की जगह टीम में खेलेंगे। क्रिस वोक्स इस साल आईपीएल नहीं खेलेंगे। दुनिया में कोरोना महामारी से आए गंभीर आर्थिक संकट के बीच अमेरिकी कंपनी एप्पल ने इतिहास रच दिया। एप्पल ने कोरोना में 3 महीने में $45,000 करोड़ का कारोबार किया है। एप्पल की मार्केट वैल्यू $2 ट्रिलियन के पार पहुंच गई है। 2 साल पहले मार्केट वैल्यू इस कंपनी की $1 ट्रिलियन थी। जर्मनी के बर्लिन में कार सवार इराकी शख्स ने हाईवे पर 3 मोटरसाइकिल्स को उड़ा दिया। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सवार आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद बर्लिन हाईवे पर करीब 300 लोग ट्रैफिक जाम में घंटों तक फंसे रहे। नाइजीरिया में बारिश में नंगे पैर बैले डांस करते गरीब बच्चे का सोशल मीडिया में वीडियो तेजी से वायरल है। बच्चे के बैले डांस वीडियो को दुनिया भर में प्रशंसा मिल रही है। वीडियो देखने के बाद अमेरिका के बैले थिएटर ने बच्चे को स्कॉलरशिप का प्रस्ताव दे दिया है और उसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए इंटरनेट की व्यवस्था भी कर दी है।